जिला आपदा प्रबंधक द्वारा तहसील सदर के बिल्डिंग पर लगाया गया ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन का उद्घाटन मुख्य विकास अधिकारी अनुज सिंह द्वारा फीता काटकर किया गया। इस मौके पर एडीएम वित्त विधान जायसवाल, एसडीएम सदर गजेंद्र कुमार, आपदा प्रबंधक के गौतम गुप्ता सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आपदा प्रबंधक द्वारा लगाए गए ऑटोमोबाइल वेदर स्टेशन से मौसम के पल पल की जानकारी मिलेगी तथा 24 घंटे पहले हवा के रफ्तार, बारिश की जानकारी, तापमान सहित मौसम से जुड़ी सभी खबरों की सटीक जानकारी हासिल होगी, जिससे आपदा जैसी स्थिति से निपटने में आसानी होगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी अनुज सिंह ने बताया। ये सर ये हम लोगों ने कराया था, फंड आया था हम लोग पास। पेंट हुआ सर? सर एक्चुअली जो वो आपके वो भी प्राइवेट हैं? हाँ हाँ, तो आए हुए सर, आए हुए हैं। आप आ जाइए सर, हसन सर आप आ जाइए। सर ये टोटल डेविस कंपनी का ये डिवाइस है। बेसिकली सर जो रेनफॉल होगा ना वो इस ब्लॉक इसमें आएगा सर। ये पूरा बॉक्स जो है, ये पूरा बॉक्स जो है, ये बॉक्स जो है ये ओपन हो जाता है सर। नहीं सर, ये जैसे पानी आ रहा है ना सर, ये इसके रास्ते ये पानी इसमें जाएगा और जैसे जब जब 5 ml भरेगा ना तो ये फिर इधर टर्न कर जाएगा। ये ऐसे से टर्न करता रहेगा और ये पानी ऐसे आता रहेगा सर इसमें, और ये फिर जैसे जैसे इसमें से ड्रॉप्स नीचे गिरेंगे यहाँ पे वो कैलकुलेट करता जाएगा कि कितना मिलीमीटर पानी हमारा वर्षा हुई है। यहाँ से सर ये ड्रॉप आ जाता है, इसमें से गिर के निकल जाता है सर पानी, तो ये यहाँ पर रहेगा। और इसको सर सबसे बड़ा वो विंड स्पीड और विंड डायरेक्शन वो उस पर करेगा। ये तीन चीज़ों से कनेक्टेड है सर, ये पूरा का पूरा ये इसका सर वायरलेस का ये पूरा है, ये सोलर बेस्ड है और ये वायरलेस इसमें लगा हुआ है। इसमें बैटरी भी लगी हुई है, प्लस ये सर सोलर से भी चल रहा है और बैटरी की लाइफ नियर अबाउट 8 to 9 months है सर, और बहुत छोटी सी बैटरी है, बहुत कॉस्टली भी नहीं रहती है ताकि उसको कर सके। और इसका वायरलेस जो बॉक्स है सर, जो पूरा रियल टाइम जो डेटा आ रहा है वो सारा सर वहाँ हमारे आपदा कार्यालय यहीं से वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो वहाँ पर सर ये पूरा वायरलेस ये डाटा उसमें स्टोर होता जा रहा है। हर 15 मिनट्स का सर ये डेटा स्टोर करता जाता है। तो सोलर जैसे एक दिन सर हम लोग को खुद पता चला कि 15 मिनट में 22 mm रेनफॉल हुआ, तो दैट इज़ द वेरी हैवी, क्योंकि वो एक तरह से पानी गिरना हुआ। तो वह चीज़ें सर हम लोग को क्लियर कट पता चलती है, जिससे हम लोग ये कह सकते हैं कि हाँ यह जो पीरियड था इट्स अ रियली डिजास्टर पीरियड। सर इसका क्या इंस्टॉलेशन क्या कॉस्ट वगैरह? इसकी सर टोटल जो कॉस्टिंग आई सर वो 2,30,000 का सर ये रहा, और उसके बाद सर ये जो फेंसिंग वर्क है सर, सर ने सपोर्ट किया सर, और सर को सर है, और फिर इसमें सर एक मतलब उनको मैंने थोड़ा सा और वो किया कि इसमें ये जो वायरलेस वाला वो डिवाइस लग गया है सर कि हमारे मोबाइल ऐप का, वो उसने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। ये एडवांस वेदर स्टेशन सिस्टम यहाँ पे लगाया गया है और इसके उपयोग से जो रियल टाइम डेटा है कि कितनी बारिश हुई, क्या विंड स्पीड है, इन सब तरह के डेटा पूरी पब्लिक को अवेलेबल होगी और इसकी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी है। इसका उपयोग करके अगर कोई हैवी रेनफॉल होने वाला है तो उसकी पूर्व सूचना लोगों को मिल जाएगी और लोग उसी के हिसाब से अपनी तैयारी कर लेंगे।